वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंट 6050 गेमिंग में। हम हाजिर है अपने ट्रक के साथ और एक न्यू गेम प्ले के लिए। कैब लाइट्स ऑन कर दी, ट्रक ऑन कर दी, हेडलाइट्स ऑन कर दी, करते हैं ब्रेक रिलीज़। चलो भाई, हो गया ब्रेक रिलीज़। यहाँ पे अब जॉब ढूंढते हैं एंड निकलते हैं ड्राइव के लिए। ये सामने नींद लेने का ऑप्शन है। टाइम हो चुका है शाम के 7:15, तो लगभग मुझे लगता है कि ड्राइवर की स्लीप एक्सेप्ट नहीं की जाएगी क्योंकि ऑलरेडी ड्राइवर रेस्ट ले चुका है। यहाँ पे क्या करते हैं, जॉब उठाते हैं भाई, काम पे निकलते हैं पैसा कमाने के लिए। वो फिलहाल हम एक वेयर हाउस पर ही खड़े हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या जॉब हमको अवेलेबल मिलता है। लेट्स गो। तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है म्यूनिख से न्यूरनबर्ग के लिए ग्लासेस। पहले तो मैं भाई पैसे देखूंगा, पैसे जिसमें ज़्यादा होंगे वही जॉब उठाऊंगा, चाहे वज़न हो चाहे कुछ भी हो। हाँ, यहाँ पे एक दिख रहा है मुझे, 6,500 यूरो का इसका इनाम मिल रहा है। और ये है मशीन पार्ट्स 45 टन, म्यूनिख से ज्यूरिख। जो अब हम वाइट लोड उठा के आए हैं वही रास्ता वापस जाने के लिए हमको मिल रहा है, तो यही उठा लेते हैं। लेट्स गो। ये किया हमने जॉब सेलेक्ट, तो इसमें मशीन के पार्ट्स है, वाइट लोड होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हैवी ये वज़न है। 350 किलोमीटर का हमको ये सफ़र करना है। एंड स्टार्ट करते हैं, ट्रेलर पीछे है भाई, आराम से हुक करते हैं। तो ट्रेलर हो गया हुक, वायर्स हो गए कनेक्ट, और यहाँ पे जो हवा आने जाने की आपने आवाज़ सुनी होगी वो ट्रेलर के ब्रेक्स की हवा, जो ट्रेलर अपने ट्रक से जाती है वायर कनेक्ट करने के बाद। तो जब भी हम ट्रेलर अटैच करते हैं तो उसके बाद हवा पास होती है पाइप के थ्रू ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद मैंने एक्सल भी ड्रॉप कर लिया है क्योंकि वज़न ज़्यादा है, तो एक्सल ड्रॉप करने में हमको फ़ायदा मिलेगा। चलिए, लगा दिया आगे गियर पे एंड लेट्स गो। हम ले जा रहे हैं बहुत ही हैवी लोड, तो हमने बीकन लाइट्स भी ऑन रखी है। अगर आने जाने वाले को पता चले कि इसमें हैवी लोड है, वाइड लोड है, तो ध्यान से ना ओवरटेक करने की कोशिश करें और पास में पास होने के लिए ध्यान से पास करें भाई। बहुत ही हैवी लोड ले जा रहे हैं, वाइड लोड है। आगे खड़ी है मर्सिडीज़ कार, हॉर्न बजाते हैं, क्या करता है बंदा, गया भाई। ग्रीन हुआ सिग्नल एंड लेट्स गो। चौथे गियर पे स्टार्ट होती है और तीसरे शिफ्ट में सीधा 8वां गियर पकड़ लेती है भाई अपनी ट्रक। अब 8वें से सीधा 10वां, इतना पीछे हैवी लोड है फिर भी इसको फर्क नहीं पड़ता है भाई, गियर स्किप कर करके आगे उठाती है। शेरनी है अपनी, शेरनी। आठ बज रहे रात के, डीजल आधे से कम है तो डीजल भरवाते ही जाएंगे क्योंकि सिटी से बाहर निकलते वक्त हमको डीजल पंप पक्का मिलेगा। और उसके बाद हाईवे पे देखी जाएगी कहाँ पे क्या मिलता है, पंप हो गया, रेस्ट एरिया हो गया, हाईवे पे मिल ही जाएगा। कोई ऑफ रोडिंग तो है नहीं कि हमको कोई सुविधा मिलेगी नहीं, लगभग सब मिल ही जाएगा हाईवे पे। बस हमको ड्राइविंग का ध्यान रखना है और वाइड लोड है तो फिर ध्यान से चलाना है। आ गया भाई पंप, आ गया।
यहाँ पे करते हैं इंजन ऑफ, डीजल क्यों नहीं कर रहे भाई, थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। अच्छा हम आगे आ गए थे, ये क्या ऑफ, और यहाँ पे करा था अपना डीजल फुल, और यहाँ पे हमको महंगा डीजल मिल रहा है 2.01 लीटर पर यूरोस, इससे अच्छा हमको पहाड़ों में मिलता है भाई 1.8 समथिंग, और क्वेरी में हमने भराया तो तभी 1.8 यूरोस पर लीटर मिला था, यहाँ पे 2 से ऊपर यूरोस मिलते हैं पर लीटर। कोई बात नहीं, लेट्स गो। लाइटें वाइटें सब ऑफ हो जाती है भाई बार बार, करता है ट्रक को स्टार्ट। ट्रक स्टार्ट होने की आवाज़ सुनते मज़ा आता है भाई, बहुत ही बढ़िया आवाज़ है। इंडिकेटर क्यों भैया होना ज़्यादा है अपने, 10वें गियर पे चल रही है और स्पीड है सिर्फ 50, क्या बात, चढ़ रही चढ़ रही है। एक्सेल ड्रॉप किया हुई है, यहाँ पे मिल गया हमको हाईवे मुनिक जाने के लिए। क्या बात है, ऐसी भी स्पीड पे चढ़ाई, दोस्तों हाईवे पर पहुंच गए, यहां से बस क्रूज में डाल के मजे करने हैं ड्राइव के। रात के सिर्फ 9 बजे, पास में एक रेस्ट एरिया है क्या भाई, कुछ तो है लेकिन एंट्री नहीं है अंदर, मैप के अंदर एंट्री दिखाई भी नहीं, उसमें किसी का पर्सनल वेयरहाउस होगा शायद पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट का, कि भाई वो ट्रांसपोर्ट वाले उसमें जाकर रेस्ट कर सकते हैं। और इन बजाते बजाते जाते हैं सबको हाय हेलो बाय बोल के हुए। ये लग गई, टैंकर वाले बाबू मेरे को जगह दे दो, चढ़ाई हो रही है, चढ़ाई बहुत जोर लग रहा है ट्रक का भाई, से ट्रैफिक भी फुल आ रहा है एक साथ।
हाईवे पे भाई रात को पूरी दुनिया यहीं पे आ जाती है, सब काम धंधे छोड़ के हाईवे पे घूमने आ जाते हैं लोग, और हमको सामने मिल जाती है बहुत सारी रश। सौ की स्पीड पार और 16वें गियर पे डाली हुई है अपने क्रूज, लगभग 125 की स्पीड पहुंच जाएगी थोड़ी देर में। बीकन लाइट्स हमने ऑन रखी हुई है और रोड पे फ्लैश मारती हुई दिखाई दे रही है हमको, लेकिन भाई ड्राइवरों को कहाँ समझ में आती है, आसपास के ड्राइवरों को। कुछ बंदे आ जाते हैं हमको टक्कर मारने के लिए दूर से देखकर भी, ऐसा सोचते नहीं कि भाई इसके पास हैवी लोड है, वाइड लोड है, थोड़ा ध्यान से जाने देते हैं। नहीं चलो, यहाँ पे तो हमको रास्ता मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे ट्रैफिक बढ़ेगा फुल नाइट, हम लोग ना झपकी मारते हुए ऐसे चलाते जाएंगे, उसके बाद टक्कर पे टक्कर होती है, टक्कर पे टक्कर। यहाँ पे एक डाइवर्जन आ गया, ये गया रास्ता राइट को, हम जा रहे स्ट्रेट और हमारी 125 की स्पीड क्रॉस हो गई भाई, बहुत बढ़िया, बहुत मज़े। पीछे कार वाला बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कब मैं उसको रास्ता दूँ, कब वो ओवरटेक मारे। ये क्या था यार, हवा में से ट्रक आ गई एकदम से। आप भाई धड़कन तेज हो गई मेरी तो, एकदम से ऐसा ट्रक दिखा वो, खतरनाक यार। अपना ट्रक भी कहीं टच हो गया है भाई, आवाज़ आई जोर से। रात का टाइम भाई हाईवे पे बहुत डेंजरस होता है, सही बता रहा हूँ, बंदे ना पागलों की तरह भगाते हैं यहाँ रात पे। बहुत संभल के चलो भाई, रात को अगर हाईवे पे ड्राइव करो बहुत संभल के चलो। एक तो भाई रास्ता देता नहीं, ऊपर से टक्कर मारने भी आ जाता है, बीच में भी रोक लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं ये लोग। लगा के देखो कितनी लंबी लाइन लगी, देखो यहाँ पे गिनती करते हैं, एक दो ये तीन ये चार, चौथी ट्रक को हमने ओवरटेक किया है, ट्रक और बस को। ये आगे और एक आ रही है पांचवी, ये पांच, और ये देखो इसने ब्रेक मार दी। देखो कितना बदतमीज बंदा है ना, मतलब क्या बताएं यार उनको, एकदम से ब्रेक मार दिया। मैंने अगर स्टेयरिंग ना पकड़ा होता तो फिर सीधा जाके वापस लगती उसको, हमारा होता भाई टाइम वेस्ट। भाई कैसे जा रहा है यार बंदा, ये फिर से स्लो डाउन कर लिया। वे ये मारी 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 लगी भाई, लगी उसको लगी, मैंने पूरा ही मसल दिया। ओ मैंने ट्रक के अंदर आके लग गई भाई, खतरनाक पड़ी यार शॉट, हमारे ट्रेलर के बीच में आके अटक गया था बंदा, वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकला भाई, दिमाग खराब हो गया ये बंदों की हरकतों की वजह से। रात के 11 बज रहे और सब लोग आईपी से नींद में चला रहे, कोई बीच में ब्रेक मार लेता है, कोई कहाँ से आ जाता है। मिशन इम्पॉसिबल वाला काम हो गया ये। घनी अंधेरी रातों में जा रहा है आपका भाई शेरनी के साथ, फिर से आगे ट्रैफिक दिख रहा है, फिर से लो चल लोडिंग हो रहा है। ये देखो ये वही कार वाला है, वही कार वाला है ये, इसने आके हमसे पंगा लिया था, अभी जा रहा है बड़े बंदा आराम से। ये देखो बीच में फिर से तेरी, क्या कर रहा है ये कमीना, दिमाग तो नहीं खराब हो गया इसका,
कर क्या रहा है ये? ये दूसरी बार इसने पंगा लिया, दूसरी बार दिमाग खराब कर दिया यार उसने। सेकेंड टाइम हम हमारे सामने आके भाई रोक दी इसने, और दो बार हमने टक्कर मार दी उसको। भाई साहब देखो फिर से आ रहा है धीरे धीरे, फिर से पीछे आ रहा है धीरे धीरे। अरे पक्का पीवट है वो बंदा, पक्का पीवट है। ये फिर से वही सामने आके खड़ा हो गया। देखो कितनी बदतमीजी है भाई इस बंदे को। ये वाइट कार वाला बड़ा ही खतरनाक बंदा है। बच के आगे निकल लो भाई, वो तो मरेगा ही मरेगा, हमको भी साथ में मरेगा, वो ऐसा बंदा है। चलिए भाई चलिए, दुनिया को फिर से पीछे छोड़ते हुए आगे दहाड़ते हुए जा रहे हैं हम आगे। फिर से ट्रैफिक दोनों लाइन में, हमको तीसरी लाइन पकड़नी पड़ेगी रिस्क वाली। यहाँ से घुसाते हैं अंदर भाई, उन लोगों का भरोसा नहीं है भाई, जगह दे दे देते एकदम बीच में आ जाता है। ये भाई सफ़र बड़ा लंबा लग रहा है। ये पिछली ट्रिप यहाँ पे मारी थी हमने, बहुत आराम से आए थे बिना कोई दिक्कत के। आज भाई दो बार हमारा क्रैश हो गया भाई, रास्ता भी पता नहीं क्यों इतना डेंजरस लग रहा है। ये भाई ट्रक भी हिल रही है खतरनाक। रिस्क लेकर के सबको ओवरटेक कर रहा है, बड़ा रिस्क उठा उठा के हम। लो फ्यूल का आ गया वार्निंग, पंप एक बार भी नहीं मिला भाई, सिर्फ सिटी में मिला था। इतने लंबे हाईवे पे फिर एक बार कोई पंप नहीं मिला हमको, टेंशन वाली बात हो गई, टेंशन वाली बात। नींद लेने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी आधे से ज़्यादा अपन फ्रेश है अपना ड्राइवर, तो बढ़िया से ये रास्ता तो निकल जाएगा। लेकिन डीजल वाली लोचे हो गए भाई, कोई ये करीबी मामला था, ये बहुत करीब से निकला भाई, बहुत करीब से। मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट लेन में जाऊँ, लेकिन वो रिस्क उठाने में संकोच हो रहा है मेरे को। देखो वो टेम्पो वाला भी वहीं पे जा रहा है, हम जाएंगे तो हमको रास्ता तो देगा नहीं वो बंदा, तो अपना रास्ता खुद निकालना है धीरे धीरे ध्यान से। और बातों बातों में पता ही नहीं चला 140 की स्पीड पकड़ ली भाई हमने, 138। ओ यहाँ पे टर्न आ गया,
यहाँ पे आ गया है अपना टर्न। अब अपना शहर दूर नहीं, पहुंच गए दोस्तों, पहुंच गए, बस पहुंचने वाले हैं। बढ़िया, आराम से निकाली हमने नीचे, धीरे धीरे। एक बंदा ठीक हमारे सामने था, हमें फिर भी बचा बचा के हम ले आए ट्रक को डाउन। रात के 12 बजे मार रहे हैं हम एंट्री हाईवे से सिंगल रोड की तरफ। सिंगल नहीं, डबल रोड है, सॉरी। दो दो गाड़ियाँ जा सकती है पास पास एक ही लेन में। ये हो गया डबल रोड। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? कुछ भी तो नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सलेटर से पैर उठा दो जब भी सामने गाड़ियाँ दिखे। एक बार उसको जज कर लो कि भाई क्या स्पीड में जा रहे हैं वो बंदे। धीरे जा रहे तो भाई ब्रेक पकड़ लो, सेम स्पीड में जा रहे तो फिर से एक्सलेटर दबा दो। देखो रास्ता ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्या बात है। ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे। सामने हमको चंद्रमा दिख रहा है, क्या दिख रहा है वो? पहुंच गए भाई, पहुंच गए सिटी, पहुंच गए भाई। डीजल ख़त्म होने से पहले, और डीजल पंप अभी तक हमको दिखा नहीं कहीं पे। सिटी के दूसरे तरफ होगा शायद। ये ट्रक वाले ने इधर ही क्यों रोक दी? सिग्नल ग्रीन है, दबा दो। निकल गए। यहाँ भी ग्रीन है, क्या बात है। अपने लिए सारे सिग्नल ग्रीन रखे भाई। तो मालूम है बंदा थका हुआ आ रहा है, तो फिर ज़्यादा रोक के तकलीफ नहीं देंगे। और ये आ गया अपना वेयर हाउस, यहाँ पे करनी है पार्किंग। अटक क्यों गया यार? जब भी स्टक हो जाए डिफरेंशियल लॉक एक बार लगा के आगे पीछे कर लो, काम हो जाएगा अपना। ये थोड़ी सी पार्किंग चैलेंजिंग होने वाली है, पता नहीं कितने बार आगे पीछे करना पड़ेगा। वजन पे तो देखो भाई लोड।
आफ्टर ऑल हो गया भाई पार्क अपने से। बड़ी खतरनाक ड्राइव थी दोस्तों। हम आ गए हैं 15वां लेवल क्रॉस करके 16वें लेवल की तरफ, और हमारा ये ट्रिप का पूरा अपना इनाम मिल रहा है 7,500 यूरो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आया तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर। मिलते हैं बढ़िया सी अगली वीडियो में, यहीं से कोई जॉब उठाएंगे और यहीं से निकलेंगे यहाँ पे। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।